नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 3 दिवसीय दिल्ली दौरे के लिए मुख्यमंत्री आज हुए रवाना। पुरानी पेंशन योजना वापस लागू हो, नहीं तो तेज होगा आंदोलन। जनता दरबार में मुख्यमंत्री ने सीओ पर कार्रवाई करने के लिए दिए आदेश। शिक्षक दिवस के मौके पर सीएम और डिप्टी सीएम ने शिक्षकों को दी शुभकामनाएं। पाकिस्तान के खिलाफ हार के बाद कप्तान रोहित ने दी बड़ी प्रतिक्रिया। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 3 दिवसीय दिल्ली दौरे के लिए मुख्यमंत्री आज हुए रवाना। जदयू की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बीते दिन समाप्त हो चुकी है और अब आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। दिल्ली में 6 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, लेफ्ट पार्टी के नेताओं से मुलाकात संभावित है। वहीं 7 सितंबर को नीतीश कुमार का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मिलने का समय तय हुआ है। मालूम हो कि एक दिन पहले जदयू की कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने की बात कही थी। आपको बताते चले कि अपनी 3 दिनों की दौरे में विपक्षी नेताओं को एकजुट कर एक मंच पर लाने की कवायद में नीतीश कुमार का यह पहला कदम होगा। पितृपक्ष मेले के दौरान जंक्शन पर रेल यात्रियों की सुरक्षा करेंगे 200 जवान। गया के विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला के आयोजन में अब बस चंद दिन शेष रह गए हैं। आगामी 9 सितंबर से पितृपक्ष मेला शुरू होने जा रहा है, जो कि 25 सितंबर तक चलने वाला है। इसकी तैयारियां पिछले कई महीने से चल रही हैं और अब गया पहुंचने से लेकर पिंडदानियों को तमाम मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराए जाने की पूरी कोशिश प्रशासन ने की है। वहीं तीर्थयात्रियों की संभावित भीड़ का आकलन करते हुए रेल प्रशासन भी निरीक्षण कर यात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए अपने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। इसी कड़ी में पितृपक्ष मेले को देखते हुए गया जंक्शन पर पटना जिला सहित अन्य जिलों से 200 फोर्स आएंगे और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के साथ साथ रेल यात्रियों की रक्षा करेंगे। यही नहीं, 3 शिफ्टों पर रेलवे स्टेशन परिसर में अभियान चलाए जाएंगे ताकि चोरी, पॉकेटमारी, छिनतई, मोबाइल चोर व शराब धंधेबाजों को पकड़ा जा सके। जनता दरबार में मुख्यमंत्री ने सीओ पर कार्रवाई करने के दिए आदेश। सत्ता परिवर्तन के बाद आज सितंबर महीने के पहले सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार लगा। मुख्यमंत्री ने आज जनता दरबार में भूमि राजस्व विभाग से जुड़े मामले की भी सुनवाई की। इस दौरान एक फरियादी ने सीओ की माफियागिरी को लेकर मुख्यमंत्री की शिकायत की। फरियादी ने मुख्यमंत्री से कहा कि जमाबंदी में सीओ घालमेल कर रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव को फोन कर कहा कि देखिए इस मामले को, जमाबंदी को लेकर परेशानी है। वहीं दूसरे फरियादी ने भी जमीन से जुड़े मामले की ही शिकायत की। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि कागज के लिए कर्मी 50,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से विभाग के अपर मुख्य सचिव को फोन कर कहा कि इससे 50,000 रुपये की मांग की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये क्या हो रहा है, देखिए सीओ पर एक्शन लीजिए। लालू यादव को सजा सुनाने वाले जज खुद प्यार में हुए गिरफ्त। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। ऐसी ही झारखंड के गोड्डा कोर्ट के शिपाल सिंह और नूतन तिवारी की लव स्टोरी है। बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में पूर्व सीएम लालू यादव को सजा सुनाने वाले जज शिवपाल सिंह ने शादी की है। शादी की खबर सुनने के बाद जिन्हें नहीं पता होगा, आमतौर पर उन लोगों को लगेगा कि लालू यादव को सजा सुनाने वाले किसी नौजवान जज ने शादी की होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि लालू यादव को चारा घोटाला मामले में सजा सुनाने वाले जज शिवपाल सिंह की उम्र 64 साल की है और उन्होंने झारखंड के गोड्डा कोर्ट की एक महिला वकील से शादी की है। मिली जानकारी के अनुसार शिवपाल सिंह ने 50 साल की नूतन तिवारी से लव मैरिज की है। शायद आपको भी मालूम हो, चारा घोटाला मामले की सुनवाई का एक वाक्या याद आया है, जब लालू यादव ने एक पेशी के दौरान कहा था कि जेल में बहुत ठंड लगती है। तब शिवपाल सिंह ने लालू यादव से कहा था कि अगर जेल में ठंड लगती है तो तबला या हारमोनियम बजाएं और तनाव मुक्त रहें। उस वक्त शिवपाल सिंह काफी सुर्खियों में भी आए थे। पुरानी पेंशन योजना वापस लागू हो, नहीं तो तेज होगा आंदोलन। बिहार के सरकारी कर्मचारी भी झारखंड की तर्ज पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे हैं। पुरानी पेंशन स्कीम को हर हाल में बहाल कराया जाए, इसके लिए सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई चल रही है। कई महीनों से पुरानी पेंशन स्कीम बहाली की मांग की जा रही है। दरअसल राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के गोप गुट के नेताओं का कहना है कि न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी विरोधी स्कीम है। सेवानिवृत्ति के बाद इन कर्मियों का गुजर बसर करना कष्टकारी हो जाता है। कर्मचारियों की मांग में ओल्ड पेंशन योजना लागू करने, संविदा आउटसोर्सिंग नियोजित कर्मचारी शिक्षकों की सेवा नियमित करने तथा राज्य कर्मी घोषित करने, समान काम के लिए समान वेतन लागू करने, केंद्र के अनुरूप बढ़े दर पर मकान किराया भत्ता भुगतान करने, MACP प्रोन्नति देने, सभी रिक्त पदों को नियुक्ति या प्रोन्नति से भरने आदि मांगें शामिल हैं।
शिक्षक दिवस के मौके पर सीएम और डिप्टी सीएम ने शिक्षकों को दी शुभकामनाएं। हर साल 5 सितंबर को महान शिक्षाविद और भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर देश भर में शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस अवसर पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर शिक्षकों को शुभकामनाएं दी और बधाई दी है। शिक्षक दिवस पर सीएम नीतीश ने ट्वीट करते हुए लिखा कि शिक्षक दिवस के अवसर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को सादर नमन। राज्य के शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं। समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान है। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा कि राष्ट्र निर्माण में अपना अतुलनीय योगदान देने के साथ साथ देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए हर समय हर संभव प्रयास करने वाले सभी गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम। सभी देशवासियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इन जिलों के लिए बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी। बिहार में बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू है। मौसमी परिस्थितियां जिस तरह का संकेत दे रही हैं उसके अनुसार अक्टूबर मध्य तक पूर्वोत्तर भाग में मानसूनी गतिविधियां जारी रहेंगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आज प्रदेश के 13 जिलों में वज्रपात और मेघ गर्जन की चेतावनी है। मानसून ट्रफ का पश्चिमी छोर भटिंडा रोहतक शाहजहांपुर से होकर पूर्वी छोर हिमालय की तलहटी से होकर गुजर रही है। इस वजह से प्रदेश के उत्तरी भाग में बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। वहीं आज आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया एवं किशनगंज जिले में आज देर शाम तक अच्छी बारिश हो सकती है। खासकर लोगों से अपील की गई है कि इस मौसम में जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले और वज्रपात को लेकर हमेशा सावधान रहे। नीतीश ने मानी गलती, इस पर सुशील मोदी ने फिर किया तीखा वार। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कार्यकर्ताओं को अपनी गलती बताई जो वो अब कभी नहीं दोहराएंगे। दरअसल उन्होंने बैठक में कहा था कि साल 2017 में बीजेपी के साथ जाकर उन्होंने बड़ी गलती की थी। राजद के साथ मिलकर महागठबंधन सरकार में बहुत अच्छा काम हो रहा था, लेकिन बीजेपी के झांसे में आकर वे चले गए। इससे कई अन्य लोग दूर हो गए। मुख्यमंत्री के इस बयान पर सुशील मोदी ने तीखा वार किया है। पूर्व डिप्टी सीएम सह भाजपा नेता सुशील मोदी ने कहा कि पहले कहते थे मिट्टी में मिल जाएंगे पर बीजेपी आरएसएस के साथ नहीं जाएंगे, पर वे अपनी ही बात भूलकर बीजेपी के साथ आ गए। इसी वजह से उनके बड़े भाई लालू प्रसाद यादव ने उन्हें खास नाम दिया। हम वह नाम नहीं बोल सकते क्योंकि नीतीश जी मेरे बड़े भाई हैं। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार बार बार पलटते हैं, इसलिए उनके इस दावे का कोई मतलब नहीं है। दानापुर में हुआ बड़ा नाव हादसा। दानापुर के मनेर में एक बड़ा नाव हादसा हो गया है। यह हादसा मनेर के शेरपुर के समीप बीते दिन देर शाम गंगा नदी की तेज लहरों के कारण दो नावों के आपस में टकराने से हुई है। इसमें एक नाव डूब गई। इस नाव पर महिला और बच्चे समेत करीब 50 लोग सवार थे। मिली जानकारी के अनुसार किसी तरह 40 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया जबकि 10 लोग लापता बताया जा रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन 5 लोगों के लापता होने की बात कह रही है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो गंगा नदी के उस पार से दियाड़ा से 3 नाव में लोग चारा काट कर लौट रहे थे। इस बीच नदी की तेज धार के कारण दो नावें टकरा गई जिसमें से एक नाव पलट गए। दिल्ली रवाना होने से पहले राबड़ी आवास पहुंचे सीएम नीतीश। मुख्यमंत्री आज दिल्ली दौरे पर रवाना हुए। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राबड़ी आवास पहुंचे जहां उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात की। इस दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। दरअसल विपक्षी दलों के नेताओं को एकजुट करने के लिए सीएम आज 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर रहेंगे जहां वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं से मिलेंगे। जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पहले ही कहा है कि मुख्यमंत्री जल्द ही दिल्ली और अन्य राज्यों जहां भी जरूरत होगी जाएंगे और उसको लेकर तैयारी पिछले कई दिनों से हो रही है। 7 सितंबर को नीतीश पटना लौट आएंगे क्योंकि 8 सितंबर को पितृपक्ष मेले का गया में उद्घाटन भी करना है। बाढ़ के पानी में इन जिलों के कई प्रखंड हुए जलमग्न। बिहार में एक्टिव हुए मॉनसून और नेपाल की तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश की वजह से बिहार की कई नदियां उफान पर हैं जिसमें गंगा, कोसी, गंडक और बागमती जैसी नदियां विकराल रूप धारण कर चुकी हैं। परिणाम यह है कि खगड़िया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर जैसे जिले में लोग बाढ़ से पानी से परेशान हैं। ये सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मिली जानकारी के अनुसार खगड़िया जिले के 4 प्रखंड की 13 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हो गई है। इसमें गोगरी, परबत्ता, मानसे और खगड़िया सदर ब्लॉक शामिल है। वहीं भागलपुर जिले के गोपालपुर प्रखंड के ब्रह्मोत्तर बांध बीते दिन देर रात्रि को ध्वस्त हो गया। बांध के ध्वस्त हो जाने से क्षेत्र के हजारों लोगों के घरों में पानी घुसने की कगार पर पहुंच गया। कटौक्षा में बागमती का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं दूसरी ओर लखनदेई नदी के जलस्तर में तेज गति के साथ बढ़ोतरी देखी जा रही है। जदयू ने तेलंगाना सीएम केसीआर का प्रस्ताव किया खारिज। कांग्रेस की भूमिका पर तेलंगाना सीएम और बिहार सीएम एकमत नहीं दिख रहे हैं। जदयू ने केसीआर की राय से
असहमति जताई है। दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर जब बिहार के दौरे पर आए तो आगामी लोकसभा चुनाव के लिए गैर भाजपा और गैर कांग्रेसी दलों को एक साथ लाना चाहा, यानी कांग्रेस को भी केसीआर अलग ही रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये थर्ड फ्रंट की ओर इशारा देता है। लेकिन जदयू ने जैसे पहले भी मेन फ्रंट की बात की, उसी तरह जदयू की ओर से केसी त्यागी ने साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस और वाम दलों के बिना भाजपा को हराने का उद्देश्य अधूरा रहेगा। इससे जाहिर है कि जदयू ने साफ शब्दों में इसमें असहमति जताई है। हालांकि जदयू ने यह भी संकेत दिया है कि वह राव को भी सभी विपक्षी दलों के साथ लाने की पहल करेंगे। विधायकों पर हमला करने वाले पुलिस बालों पर डीजीपी ने नहीं लिया एक्शन। बिहार विधानसभा में पिछले साल मार्शल कार्रवाई पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि विधायकों पर हमला करने वाले पुलिसकर्मियों पर डीजीपी ने एक्शन नहीं लिया है, इसलिए अब विधानसभा के नए स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि 23 मार्च 2021 को विधानसभा में घटित घटना दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण थी। सदन में जहां विधायकों का आचरण मर्यादा के विपरीत रहा, वहीं पुलिस ने अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया। दोषी पुलिस पदाधिकारियों पर अविलंब कार्रवाई के लिए उन्होंने पुलिस महानिदेशक को निर्देश भी दिया था, लेकिन मात्र 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर खानापूर्ति की गई है। पाकिस्तान के खिलाफ हार के बाद कप्तान रोहित ने दी बड़ी प्रतिक्रिया। एशिया कप 2022 में सुपर 4 के अहम मुकाबले में चिर प्रतिद्वंदी टीम पाकिस्तान को हार के बाद भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। रोहित ने हार के लिए मध्यक्रम बल्लेबाजों को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही रोहित ने कहा कि मैच जीतने के लिए विकेट गिराने की जरूरत होती है। रोहित ने आगे कहा कि अगर आपको मैच जीतना है तो आपको विकेट लेना पड़ेगा और T20 क्रिकेट में कोई भी स्कोर बड़ा नहीं है, हमें पाकिस्तान को इस जीत का क्रेडिट देना होगा। उन्होंने काफ़ी अच्छा खेल दिखाया। कोहली ने आज जिस तरह से बल्लेबाजी की वह काफ़ी शानदार था। उस वक्त हार्दिक और ऋषभ के विकेट की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम खुले दिमाग से खेलना चाहते हैं। जिस तरह से विकेट गिर रहे थे, हमें एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए था जो कि क्रीज पर टिका रहे। देश भर में आए 10,000 से भी कम कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी सोमवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 5,910 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले में मामूली कमी हुई है, जिसके बाद राज्य भर में कुल 113 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 61 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 101,509 कोरोना सैंपल की जाँच हुई गई, जहां 175 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अनवर करीम खान, बाबूलाल मरांडी, सोनू यादव, शंकर मुखिया, मुकेश सिंह चौकीदार, राजकुमार और निशा कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि भारत बनाम पाकिस्तान सुपर 4 मुकाबले में भारत के हार का कारण आप किसे मानते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।